भगत टेक्निक में आदित्य पंडित। मैं आज आप लोगों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, बाद में डीएससी एनरोलमेंट का प्रोसेस भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पैन कार्ड, जीएसटी, ऐसे स्टार्टअप इंडिया यदि है तो वो सब रजिस्ट्रेशन आपको लगती है। नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लास 3 साइन प्लस इंक्रिप्शन दोनों सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, डिजिटल सिग्नेचर की। इसके अंदर जो यूनिट आते हैं वो यूनिट कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो टेंडर्स कौन कौन से डिपार्टमेंट के यहाँ पे निकलेंगे, ये सभी डिपार्टमेंट के टेंडर निकलेंगे, MIL, AVNL, TCL, यात्रा इंडिया लिमिटेड और IOL, यहाँ पे आपको ये सभी डिपार्टमेंट आपको नजर आएंगे। ये जो डिपार्टमेंट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, OFBA, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, चंदा, देहू रोड जो पुणे में है, ऐसे आपको अलग अलग जगह के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है सभी के टेंडर्स यहाँ पे निकलेंगे। तो सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पे दिए हुए, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, वेपन्स के भी है, आर्म्ड के भी है, जो भी डिपार्टमेंट है इसके रिगार्डिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कंपनी यहाँ पे टेंडर निकालती है, सबके यहाँ पे डिटेल्स में आपको सभी कंपनी का नाम मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता चले कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं और कौन क्या इसका यहाँ पे टेंडर निकलेगा। इसके रिगार्डिंग आपको सभी टेंडर्स देखने को मिलेंगे। टेंडर्स भी आप यदि देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टेंडर्स भी मुझे देखने को मिलेगा। यदि टेंडर्स आप एक बेसिक टेंडर्स देखेंगे तो यहाँ पे सभी टेंडर्स आपको आते हैं। जो ई प्रोक्योरमेंट का ही पोर्टल है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे टेंडर्स देखने को मिलेंगे। रिपेयरिंग का भी काम है, कोई प्रोडक्ट सप्लाई का भी काम है, सर्विसेज के भी सब है, जैसे स्टेबलाइजर चाहिए इनको, बाथरूम हैंड शावर चाहिए, तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ का डिपार्टमेंट का टेंडर है और कितना यहाँ पे सब किसके डिटेल्स है। तो आपको यहाँ पे सबके डिटेल्स नजर आ जाते हैं कौन कौन सा है, यहाँ पे आपको उसके डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये टेंडर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जहाँ से आप टेंडर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम को कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यदि अपने को करना है, कभी भी कोई भी पोर्टल में आपको टेंडर भरना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी हम लोगों को पता है कि कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के टेंडर जेम पे आते हैं, पर जो प्रोडक्ट जेम पे नहीं है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यदि इसके टेंडर्स जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होंगे वो कस्टमाइजेशन होंगे या यूनिक प्रोडक्ट होंगे, जो जो मैक्सिमम जेम पे नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो अपने पोर्टल में पब्लिश कर सकता है। इसलिए आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के भी टेंडर यहाँ पे मिलेंगे जब तक वो प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं हो जाती जेम पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट डाल के भी यहाँ पे टेंडर्स निकालते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट आपको जेम पे नहीं मिलेगा। हम सभी ई प्रोक्योरमेंट के सभी पोर्टल्स और जेम के ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट पूरा डिटेल्स में हम आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर, या फिर आपको सपोर्ट लगे कि आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन के पार्ट को देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इनके वेबसाइट जो ई प्रोक्योरमेंट का है यहाँ जाएंगे। सबके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ से आप जा सकते हैं। जैसे कि वेंडर इनरोलमेंट है तो वेंडर इनरोलमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपसे पूछता है जब फ्रेश इनरोलमेंट, जब आप फर्स्ट टाइम इनरोलमेंट करेंगे तो फ्रेश इनरोलमेंट, जब आपका इनरोलमेंट हो जाएगा और आप बीच में यदि कहीं छोड़ देते हैं तो आप TRN से कनेक्ट होंगे, कंटिन्यू विद TRN यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे पास फ्रेश इनरोलमेंट है इसलिए मैं फ्रेश इनरोलमेंट कंटिन्यू यहाँ पे आएगा। कंपनी, आपकी कंपनी कहाँ की है, इंडिया या बाहर की है, यदि इंडिया की है तो इंडिया, आपका पैन कार्ड का नंबर हमने डाल दिया, यहाँ से आपको पैन कार्ड अपलोड कर देना है। ये मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया, सेव, कंपनी का नाम, यहाँ पे डुप्लीकेट पेन बोल रहा है इसलिए कि हमने एक बार रजिस्ट्रेशन किया है इसलिए मुझे बोल रहा है आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा।
भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन, ये कंपनी का नाम है हमारा। नेचर ऑफ फॉर्म, आपकी कंपनी कैसी है, प्रोप्राइटरी है, पीएसयू है, पब्लिक लिमिटेड है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट है। मेरी प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस टाइप कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है, सोल प्रोप्राइटरी है, एजेंट है, ट्रेडर है, प्रोसेसर है, कैसा है। तो मेरी प्रोप्राइटरी, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते। आपकी जो कैटेगरी इंडस्ट्री है कैसा है, एसएसआई में इंडस्ट्री में है तो स्मॉल स्केल में डालेंगे, एमएसएमई में है तो एमएसएमई के भी है, मीडियम स्केल में है, लार्ज स्केल में है, एमएसएमई एमएससी, किस में आपका रजिस्टर्ड है, जिसमें है रजिस्टर्ड आप उसमें डाल देंगे। मेरा एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, हम यहाँ पे एमएसएमई एमएसएमई। अब यहाँ पे एड्रेस, पूरा डिटेल्स मुझे भरना है, एड्रेस वगैरह, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। आपका प्रॉपर एड्रेस पुणे, रीजन आपका महाराष्ट्र, पोस्टल कोड आपके एरिया का, पिन कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, फोन नंबर, एक नॉमिनल जैसे हम लोग भरते हैं वैसे ही, ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट नेम मिस्टर, मेरा नाम आदित्य पंडित, मिडिल नेम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लास्ट नेम अपने को नहीं डालना है, मिडिल नेम, या मिडिल नेम रहा तो मिडिल नेम, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है लास्ट नेम। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। इस पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको वहां पे देना पड़ेगा। ये मोबाइल और ईमेल जो भी डालेंगे उस पे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी अभी आपको लगेगा। यहाँ हमने डाल दिया गेट ओटीपी, ये ऑलरेडी मुझे एग्जिस्ट बता रहा है, यहाँ पे ओटीपी डालते थे, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पे और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपको जीएसटी नंबर ऐड करने का, यहाँ से आप जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हैं, सेव करेंगे यहाँ से, सेव का है, और यहाँ पे आपको सबमिट का बटन है, तो आप जीएसटी नंबर ऐड करेंगे और फिर आपको पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पे आप सप्लाई में इंटरेस्टेड है, वर्क के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको डिटेल्स को चूज कर देंगे और इसको आपको सबमिट कर देना है, सबमिट कर देंगे कि आपको एक मेल आ जाएगा, जैसे मेल भी दिखाता हूँ। पहला मेल ओटीपी के रिगार्डिंग आएगा कि आपका पहला मेल है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन टेम्पररी, ये आपको एक मुझे टीआरएन नंबर मिला है, जो मैंने आपको बोला था रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टीआरएन नंबर मिलता है, ये टीआरएन नंबर मिला है, और यहाँ से हमको अभी तक हम लोगों ने आईडी सेट नहीं किया था, उसके बाद मुझे वहाँ पे ही आईडी सेट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं आईडी सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ से पासवर्ड को सेट कर सकता हूँ। क्लिक है टू सेट योर पासवर्ड, ये फर्स्ट टाइम मुझे सेट करना पड़ेगा आईडी के बाद, हम यहाँ से पासवर्ड को सेट करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर अभी जरूरत पड़ेगी, डिजिटल सिग्नेचर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया हुआ है। अभी मैं इसको साइन एंड इंक्रिप्शन के सर्टिफिकेट से सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट सर्टिफिकेट, तो मैं आपको डीएससी का भी दिखा देता हूं। यहाँ पे मेरा डीएससी ये देखिए धर्मदास के नाम से एक डीएससी लगा हुआ है, सिलेक्ट, आपको यहाँ पे डीएससी का डिटेल्स आ जाएगा। एक मिनट, ये मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम है, आपको ऐसा नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका पॉपअप आ जाएगा, और इसके लिए कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको क्रोम में ही कर सकते, जैसे मेरे पास आ गया ये धर्मदास, इसको करेंगे हम लोग ओके, ये आपका आ गया सब डिटेल्स, सिलेक्ट सर्टिफिकेट, तो देखिए मैंने यहाँ पे डिजिटल नीचे चूज कर लिया, मुझे पिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डीएससी का पिन, इसको सर्टिफिकेट हैज बीन सिलेक्टेड सक्सेसफुल, जो भी सर्टिफिकेट के डिटेल्स थे वहां पे सभी डिटेल्स आ चुका, अभी हम इसको सबमिट करेंगे। डीएससी टाइप क्लास 3 का, ये भी मुझे बताओ।
पासवर्ड है चेंज सक्सेसफुल, मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, अब मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। मेरा आईडी मुझे पता है, ईमेल पे आ चुका था और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भी सेट कर लिया। पासवर्ड अभी हम लोगों ने सेट किया, यहाँ पे मुझे डीएससी के लिए फिर से ऑप्शन आ रहा है, मुझे यहाँ पे डीएससी डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए आ गया, इसको ओके करेंगे। हम यहाँ पे लॉग इन हो रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर से आपको डीएससी एनरोलमेंट मतलब डीएससी के लिए मैपिंग के लिए जो मैं आपने मैप किया है उसके लिए डीएससी लगा हुआ होना चाहिए। एक्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया, इसको वेरीफाई एक्सेप्टेंस साइन बाय 25 दिसंबर को हम लोगों ने साइन कर दिया। ये डिजिटल सिग्नेचर है जो हमारा एक्सपायरी हो जाएगा वो मुझे बता रहा है, इसको क्लोज। हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो मुझे यहाँ पे लाइव टेंडर्स वगैरह भी देखना चालू हो गया, ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप रजिस्ट्रेशन तक के हम लोग और डीएससी मैपिंग तक का प्रोसेस देख लिया हम लोगों ने। यदि आप इसके रिगार्डिंग या जेएम के रिगार्डिंग टेंडर का ट्रेनिंग चाहते हैं तो हमें डिटेल्स में नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आया तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके आगे का वीडियो भी हम जल्द आपके सामने लेके आएंगे जहाँ पे टेंडर कैसे भरते हैं ये सभी हम लोग आगे के वीडियोज में देखें।